राजनगर पार्षद मर्डर केस में 3 दिसंबर का इंतजार, 3 एफआईआर, 100 आरोपी, गिरफ्तारी एक भी नहीं, कांग्रेस बीजेपी के कई नेता नामजद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। छतरपुर जिले की राजनगर सीट पर वोटिंग के दिन कांग्रेस नेता सलमान की हत्या के मामले को एक हफ्ता बीत चुका है। पुलिस ने इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज की है। इसमें 100 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया है, लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। कांग्रेस नेता सलमान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है। पुलिस ने इसे ओपिनियन के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भेजा है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ओपिनियन के लिए भेजना ही बताता है कि पुलिस जांच को टालना चाहती है। दरअसल इस मामले में पुलिस ने कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों के साथ दर्जन भर नेताओं को नामजद आरोपी बनाया है। 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, इसलिए जानकार मानते हैं कि पुलिस को भी चुनाव नतीजों का इंतजार है। हालांकि एसपी अमित सांघी कहते हैं कि साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, कुछ लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने मामले की जांच के लिए 3 पेज का इन्वेस्टिगेशन प्लान तैयार किया है। इससे साफ पता चलता है कि मामले की जांच लंबी चलने वाली है। पुलिस ने अब तक इस मामले में किस तरह से जांच की है, घटना के बाद अब तक क्या क्या हुआ, इसकी पड़ताल की। साइंटिफिक जांच के लिए डिटेल प्लान। एसपी सांघी सलमान हत्याकांड की जांच के लिए पुलिस ने बकायदा एक इन्वेस्टिगेशन प्लान तैयार किया है। जांच का जिम्मा खजुराहो एसडीओपी को सौंपा गया है। पुलिस का दावा है कि इसके तहत हर एक बिंदु की साइंटिफिक तरीके से जांच की जाएगी। पुलिस ने जांच के लिए 25 बिंदु तैयार किए हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक इन पर डिटेल जांच शुरू ही नहीं की है। इन जांच बिंदुओं के आधार पर समझिए पुलिस जांच की धीमी गति। गाड़ियों के सीसीटीवी फुटेज, तस्वीर साफ नहीं। पुलिस ने घटनास्थल से 4 से 20 किलोमीटर दूरी तक के सीसीटीवी फुटेज बरामद किए हैं। इसमें गाड़ियों का काफिला जाता दिख रहा है, लेकिन इसमें गाड़ियों की तस्वीर साफ नजर नहीं आ रही है। पुलिस का तर्क है कि शहर के भीतर जहां जहां से ये गाड़ियां गुजरी हैं, वहां के फुटेज भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। PSTN डेटा लिया, लेकिन डेटा की जांच नहीं। पुलिस ने आरोपियों की घटनास्थल पर मौजूदगी को समझने के लिए टेलीकॉम कंपनी से PSTN डेटा ले लिया है। PSTN डेटा यानी पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, इससे मोबाइल फोन यूजर की लोकेशन पता की जाती है। पुलिस इसके जरिए पता लगा रही है कि जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, क्या वो घटनास्थल पर मौजूद थे या नहीं। पुलिस ने डेटा तो हासिल कर लिया है, लेकिन अभी इसकी जांच शुरू नहीं की है। बीजेपी के काफिले के जिस गाड़ी पर हमला हुआ, वो जब्त की। बीजेपी की तरफ से दर्ज शिकायत में कहा गया है कि नाती राजा और उनके समर्थकों ने काफिले में शामिल गाड़ियों पर हमला किया था। पुलिस ने एक काले रंग के स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त किया है। पुलिस का कहना है कि इस गाड़ी की फॉरेंसिक जांच करने पर पता चलेगा कि गाड़ी पर हमला हुआ था या नहीं। ये जाँच भी अभी शुरू नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एक्सपर्ट से ओपिनियन मांगा। पुलिस को सलमान की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई है। इसमें कहा गया है कि सलमान के शरीर में अनेक गंभीर चोट है, कई फ्रैक्चर हैं, पसली भी टूटी हुई है। इससे साफ है कि गाड़ी से कुचला गया है, लेकिन अभी ये तय नहीं हो पाया है कि वो किस गाड़ी की चपेट में आया था। पुलिस ने इस मामले में फॉरेंसिक एक्सपर्ट से ओपिनियन मांगा है। फॉरेंसिक ओपिनियन यानी मामले को टालना, एक्सपर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट से ओपिनियन मांगना कितना जरूरी है। उन्होंने कहा, पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को फॉरेंसिक जांच के लिए सिर्फ अपना पल्ला झाड़ने के लिए भेज रही है। वाहन से कुचलकर हत्या के मामले में एक फॉरेंसिक डॉक्टर लिखता है कि मौत बॉडी में मल्टीपल इंजरी के कारण हुई है। ये भी लिखता है कि मौत का नेचर ओपन है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर मौत की वजह तय की जाना चाहिए। डॉक्टर सत्यपति कहते हैं, मामला एक्सीडेंट का है या हत्या का, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट ये डिसाइड नहीं कर सकता, ये पुलिस ही करेगी। सत्यपति ये भी कहते हैं कि फॉरेंसिक वालों के पास 400 से 500 रिपोर्ट्स पहले से ही पड़ी रहती हैं। इसके बाद नई रिपोर्ट की जांच में महीना भर लग जाता है, तब तक मामला ठंडा हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।